ठीक है, तो पिछले पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कस्टमाइजेशन एंड शॉर्टकट्स के बारे में। तो रिकॉर्डिंग देखी आपने यूट्यूब पे? ठीक हाँ, मैंने देखा था आपका। है जी, तो आगे की क्लासेस आपको इसी तरह से मिला करेंगी। तो आज का टॉपिक है पेस्ट स्पेशल, जिसमें मैं आपको एडवांस पेस्ट स्पेशल के मेथड बताऊंगा। ठीक है जी, तो मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे। पेस्ट स्पेशल का यूज क्यों करते हैं? आपने किया है वैसे कभी पेस्ट स्पेशल का यूज? हेलो हेलो, सुशील जी कि हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोग जॉब वाले लोग हैं, जो भी एक्सेल में 10-12 साल में हमने सीखा है उसका एक कोर्स बनाया हमने। तो एक्सेल के एडवांस मेथड्स हैं हमारे पास, कोई बेसिक वाली चीजें नहीं है। और ये इतना है कि हम मतलब 30 क्लासेस में हमें ये कोर्स बनाना पड़ा, बीबीए के लिए अलग से 35 क्लास बनाई, तो 65 घंटे का कोर्स है हमारे पास एडवांस चीजों को। तो जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, पहला कस्टमाइजेशन हमने पढ़ा था, सेकेंड हम पढ़ते हैं पेस्ट स्पेशल। आज तो मैंने वैसे पेस्ट स्पेशल की रिकॉर्डिंग भी भेज रखी है ऑलरेडी, जो आपको पहले क्लास हुई थी, और मैं आपको दोबारा से ये लाइव क्लास दे देता हूँ क्योंकि आपने अटेंड नहीं करी। ठीक है जी, हाँ और तो हम पेस्ट स्पेशल की बात कर रहे थे। पेस्ट स्पेशल में क्या है कि मैंने कुछ डेटा ले रखा है यहाँ पे, जिसमें मेरे पास डेट है, हाँ नेम है, सेल्स है। सेल्स के अंदर आप ध्यान देंगे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने, रेंट बिटवीन। सबसे पहले इस फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। मैं जनरल नंबर जो है 10 से 90 के बीच की रैंडम वैल्यूज को जनरेट कराने के लिए करता हूँ। तो जहाँ भी मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, लिमिट दे दूंगा, जैसे 10 से 90 बीच की कोई भी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, और हर रिफ्रेश पे ये अपने आप बदलती रहती है। ठीक है जी, तो जैसा कि आपने नॉर्मल कॉपी पेस्ट यूज किया होगा और पेस्ट स्पेशल भी यूज किया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, डेटा को कॉपी करता हूँ, पहले राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल करूंगा, और वैल्यूज जिसका लोग यूज मोस्टली करते हैं, ऑल पे क्या होता है, सब कुछ पेस्ट हो जाता है नॉर्मल कॉपी पेस्ट की तरह। उसके बाद पेस्ट स्पेशल का स्ट्रक्चर क्या है, ऑल पे आप करते हैं सब कुछ पेस्ट होता है, उसके बाद इसके पार्ट्स हैं, फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, ये सब चीज एक सेल के ऊपर होती है जिसके ये पार्ट दिए हुए हैं। फॉर्मूला में कोई भी फॉर्मूला आपका पेस्ट होगा, और वैल्यूज में क्या होगी, जो दिख रही होगी वैल्यूज वो पेस्ट होगी। ठीक है जी, तो हर रिफ्रेश के साथ यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि ये फॉर्मूला इसी तरह है। तो जो वैल्यू कॉपी करते टाइम दिख रही थी वो ये थी, वो यहाँ आ गई, और आप देखेंगे इधर कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है जी, बट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पेस्ट वैल्यूज का यूज हम करते हैं कि जब हमें फॉर्मूला वही कांस्टेंट बनाना होता है, मतलब वही पेस्ट करनी होती है। पर इसमें एक चीज है कि जैसे ये था डबल डेसिमल फॉर्मेट में, और ये हमारी डेट थी फॉर्मेट, यहाँ देखेंगे कि इनका फॉर्मेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है जी, डेट्स मेरी कुछ नंबर्स में दिखा रही है, और जो सेल्स है वो सिंपल नंबर्स में दिखा रही है, डेसिमल नहीं दिखा रही। तो ये होता क्या है एक्चुअली, जैसे ये डेट है तो ये डेट का फॉर्मेट है, सेल्स है ये इसमें डबल डेसिमल फॉर्मेट है, ये सब होता है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग होम टैब में आप देखेंगे इसको, इसको नंबर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जब कंट्रोल वन दबाते हैं या फिर इसको दबाते हैं तो आपके सामने ये नंबर टैब आता है जिसके अंदर सेटिंग होती है। ठीक है जी, जनरल नंबर, डेट, अकाउंटेंट, करेंसी, इस तरह ये देखा होगा आपने पहले। अच्छा, तो यहाँ नंबर लिखा हुआ है इसलिए इसे नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हमारा क्या है कि कोई ऐसा ऑप्शन हो कि जो पेस्ट तो वैल्यू करे पर नंबर फॉर्मेटिंग भी मेंटेन रखे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल
तो ये वैल्यू जो है फॉर्मूला की जगह नंबर फॉर्मेटिंग मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट और फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। तो जब हम वैल्यू नंबर फॉर्मेट करते हैं तो हमारी नंबर फॉर्मेटिंग क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। देखिए यहाँ डेट का सही फॉर्मेट आ गया और अपना ये नंबर का सही फॉर्मेट आ गया, पीछे देखेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं, नंबर फॉर्मेटिंग हो गई मेंटेन। ठीक है जी। अब एक दिक्कत और आती है इसमें कि क्या होता है कि कई बार मैंने जब भी कॉपी करता हूँ डेटा को दूसरी शीट में या कहीं भी, तो उनकी कॉलम सेटिंग बिगड़ जाती है। ये हैशेस दिख रहे हैं आपको, ये हैशेस इसलिए दिखा रहा है कि उसकी कॉलम सेटिंग कुछ और है, इसकी कॉलम सेटिंग कुछ और है, कॉलम विड्थ इनकी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है जी। तो मान लीजिए ये कॉलम सेटिंग कुछ भी है अलग है, आपको दोबारा से सेट करना है, दोबारा मेहनत हो जाती है, छोटे मोटे डेटा में आप कर लेते हैं, पर ज्यादा डेटा हो तो दिक्कत हो जाती है, टाइम वेस्ट करने वाली बात। प्रोसेस को फास्ट बनाना, तो आप क्या कीजिए, जिस तरह से आपने पेस्ट एज वैल्यूज किया था उसी तरह से आप पेस्ट स्पेशल में जाइए और कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक झटके में आपकी सारे चेंजिंग जो है, जो यहाँ पे कॉलम सेटिंग थी वो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। तो डायरेक्टली कॉलम विड्थ नहीं कर सकते? हाँ, डायरेक्टली भी कॉलम विड्थ कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप कॉलम विड्थ करेंगे तो कॉलम की सेटिंग, कॉलम की विड्थ जो है ना वो पेस्ट होती है, कोई डेटा नहीं होता। अच्छा। ठीक है जी। मैंने जैसा कि बताया कॉपी करने के बाद ये पार्ट्स होते हैं इसके, जो वन बाय वन आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑल में क्या होता है, सब कुछ पेस्ट हो जाता है, और ये पार्ट्स हो गए कि आप अलग अलग भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सब कुछ डालेगा बॉर्डर नहीं डालेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ ब्लैक बॉर्डर सप्लाई कर रखे हैं मैंने यहाँ से ये वाले, तो यहाँ पे विदाउट बॉर्डर के करना है तो एक्सेप्ट बॉर्डर का भी चूज कर, उसको भी चूज कर सकते हैं। देन क्या है कि इसमें एक और ऑप्शन है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ये भी बता देता हूँ, हालांकि इसका यूज एक्सेल में तो नहीं होता है। ये सोर्स थीम को पेस्ट करता है। सोर्स थीम कौन सी होती है, थीम्स हमारी यूज होती है पावर पॉइंट में। ठीक है जी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेंटेन करने के लिए, बट एक्सेल में कोई भी इसे यूज नहीं करता है। तो किसी भी थीम में आप चल रहे हैं कॉपी पेस्ट करेंगे तो वही थीम अगले उस पर पेस्ट हो जाएगी, हालांकि एक्सेल में इसका यूज नहीं होता, कोई नहीं करता है। ठीक है जी। देन करते हैं कि फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट्स में क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पेस्ट स्पेशल कर दिया, पेस्ट एज नॉर्मल वैल्यूज कर दिया। अब मैं चाहूं तो इसमें फॉर्मेट्स भी, जो इसका फॉर्मेट है ना, जैसे सेल कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, सब कुछ वो सब मैं फॉर्मेट से भी कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग नंबर फॉर्मेट। तो सारे फॉर्मेट आपके पेस्ट हो जाएंगे, बॉर्डर सेटिंग सब कुछ जो जो भी फॉर्मेट के अंदर आता है। ठीक है जी। ओके। और कैसे सर, एक मिनट सर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब मान लीजिए तो जैसे आपने क्या किया, आपने बनाई और उसमें बड़े बड़े कमेंट डाल दिए। अब कमेंट आपको यहाँ पे ले जाने हैं तो कैसे करेंगे? तो कमेंट हमेशा ले जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कमेंट को या तो आप यहाँ जाके कमेंट कीजिए, यहाँ से कॉपी कीजिए और अगले में कमेंट। सिंपल तरीका है कि कोई भी कमेंट करनी है तो आप उसको कॉपी कीजिए उस सेल को, मान लीजिए यहाँ पेस्ट करनी है मुझे, तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे चले जाइए और यहाँ से कमेंट सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए, तो आप देखेंगे यही कमेंट आपकी यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है जी। देन आगे बढ़ते हैं इसमें कि मेरे पास यहाँ पे, मैंने आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने सेल सिलेक्ट किया एक ड्रॉप डाउन आ गया, एक ये साइन आता है जिसको क्लिक करता हूं तो मेरा इसमें कुछ नंबर शो कर रहा है जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और ये उसमें वो पेस्ट कर देगा। इसके अलावा मैं कुछ और डालने की कोशिश करूं तो नहीं आता। इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन, इसको हम आगे के टॉपिक में कवर करेंगे।
आगे की क्लासेस में, बट इतना बता दे रहा हूँ कि आपको डेटा वैलिडेशन भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यही रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ लगाना चाहते हैं इसके बगल वाली सेल पे, तो आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ से वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, तो आपकी यही रिस्ट्रिक्शन यहाँ दिखाने लगेगा। ठीक है जी, इसमें आप कोई और वैल्यू इसके अलावा पेस्ट करेंगे तो नहीं लेगा। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? हेलो। अच्छा एक सर एक डिस्टर्ब करना चाहूंगा, एक चीज है जैसे कि बहुत सारे मेल है उसके साथ एक ही मतलब एक ही चीज, हाँ मतलब एक ग्रीटिंग भेजना होता है और पूरा मेल पे एक साथ अगर भेजना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल है? मतलब 100 मेल आईडी है, 100 कैंडिडेट्स है, उसका 100 मेल आईडी है, उस पर एक साथ एक ग्रीटिंग भेजूंगा और सब पे 100 पे 100 चले जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए हर एक मेल की एक लिमिट होती है, ठीक है जी। हाँ तो 100 ईमेल आईडी आप एक साथ डाल के भेजने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके जानी? नहीं मतलब कुछ ऐसा तरीका हो जो कि मतलब ना 50 ईमेल एड्रेस भेजना सबको एक ही चीज है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाँ तो मैं चाह रहा था सबको इस पे सेट करके, हाँ सबको गुड मॉर्निंग ही भेज देता ऐसे करके इंडिविजुअली जाए, आप ये चाह रहे हैं? हाँ 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 सबको जाए, लेकिन तो इंडिविजुअली भेजने के लिए जैसे दो ऑप्शन यूज होते हैं, क्योंकि एक तो आप कर सकते हैं बीबीए के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू, बीबीए हाँ मैक्रो प्रोग्रामिंग होती है उसके थ्रू होगा। दूसरा होता है वर्ड में एक मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, आई थिंक वो भी इस चीज को कर सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट बीबीए के बारे में मैं श्योर हूँ। अच्छा, क्योंकि हम लोग बीबीए कहाँ से करना होगा? बीबीए के लिए सर आपको प्रोग्रामिंग जाननी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो एक्सेल में VBA होता है, उसमें जो कस्टमाइज आप टास्क करवाना चाहते हैं इवन वो आपकी मेल को कंसोलिडेट करने का भी काम कर लेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने एक तरह के अटैचमेंट भेजी, आप ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि एक तरह के अटैचमेंट आपके पास सेव हो गई, उससे दूसरी रिपोर्ट बन गई और वो रिपोर्ट वापस उन्हीं बंदों को मेल हो गई, तो ये भी कर सकते। अच्छा अच्छा, आगे देखते हैं, आज का टॉपिक हमारा पेस्ट स्पेशल का है, तो मैं कॉपी पेस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, तो मान लीजिए मेरे पास कोई मैंने लिस्ट बनाई है सेल्स की, या कोई भी लिस्ट, जरूरी नहीं सेल्स का ही हम बार बार जिक्र करें, कुछ भी आपके जनरल यूसेज में ये आती है, कोई भी लिस्ट मैनुअल आपने क्रिएट करी किसी रिपोर्ट से या जिससे, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने देखा कि कुछ गड़बड़ हो गई, आपने आगे लिख दिया कि अरे ना यार इसमें 12 और आना था, इसमें 25 और आना था, इसमें 36 और आना था, इसमें 20 और आना था, ऐड करना था। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करेंगे, वैसे बहुत छोटी सी क्वेरी है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप यहाँ से इक्वल टू लगा के इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लस लगा के फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, तो बेसिकली आपका काम तो ये भी कर देगा, फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज करेंगे, तो आपका पर्पस तो सॉल्व हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ का पर्पस हो रहा है सॉल्व, बट जब हमें कॉपी करके पेस्ट ही करना है तो हम एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि हम इसको कॉपी करें, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ पे ऑपरेशन का है जो कुछ कैलकुलेशन भी कर सकता है, तो ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे, तो ये वाले नंबर जो हैं इसमें जुड़ जाएंगे अपने आप ही। ठीक है जी, ब्लैंक वाले ने क्या जोड़ा होगा, जो खाली होगा जीरो, ब्लैंक को जीरो से भी एंटाइटल किया जाता है। ठीक है जी, अब मान लीजिए आपको ऐड नहीं करना है, आपने रिप्लेस करना है कि 89 की जगह 12 आना है, 90 की जगह 25 आना है, 117 की जगह 36 आना है, 125 की जगह 20 आना, तो इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? मान लीजिए ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है और डेटा इसी तरीके से है सर, कुछ इसका सॉल्यूशन
इसका सोल्यूशन रिप्लेस करना, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन होगा। हाँ देखिए, दो तरह के सोल्यूशन है। एक तो है कि आपकी फॉर्मूला नॉलेज अच्छी हो, तो आप एक कंडीशन फिट कर सकते हैं कि अगर ये इक्वल टू ब्लैंक हो तो इसको ले लें, अदरवाइज इसको ले लें। ठीक है जी, तो एक तो ये आपका इफ का फॉर्मूला काम कर देता है। अब इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करूंगा तो देखिए रिजल्ट तो जो चाहिए मुझे वो आ गया मेरे पास। ठीक है जी, तो कॉपी करके पेस्ट एज स्पेशल करके कर सकता हूँ। ठीक है जी, पर इसके लिए तो आपकी फॉर्मूला नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि आप समझ के लगा सके लॉजिक। बट एक और चीज कर सकते हैं हम, यहाँ पे कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर सकते, क्यों करके देखते क्या होता है। अगर नॉर्मल कॉपी पेस्ट करता हूं तो ये ब्लैंक उठ के यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है जी, अगर ये खाली सेल वहां ना जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें कि ये खाली सेल उस उठ के ना जाए, खाली जो सिलेक्टेड है जो जिनमें वैल्यू है वो जाए? तो ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहां से स्किप ब्लैंक का एक ऑप्शन है, इसको टिक कर दीजिए बस और ओके कर दीजिए। अब तो आप देखेंगे कि इसने ब्लैंक्स को जो है स्किप कर दिया। ठीक है जी, हाँ हाँ, आपका रिप्लेसमेंट वाला टास्क इससे हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है और आपको इस तरह से अचीवमेंट परसेंटेज चाहिए सबकी सेल की, परसेंटेज निकालनी है, जबकि टारगेट आपका 200 है, तो उस केस में क्या करते हैं? देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे भी फॉर्मूला का खेल है। इक्वल टू लगाया, ये सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय इस टारगेट को सिलेक्ट किया, पर टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जब मैं ड्रैग करूं तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो एक तरीका तो ये होता है। पर मान लीजिए आपका डाटा कुछ इस तरह से हुआ, ज्यादा हुआ, तो ये चीज भी प्रॉब्लम है, कितना फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, हालांकि एक चीज और करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज तो पहले से था, खाली डिवाइड ही नहीं, आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, पर यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन अवेलेबल है जिसमें परसेंटेज लगा के आप वही डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, अब क्या करना है, मैंने क्या देखते हैं कॉपी पेस्ट कर, यही कैसे किया, मैं क्या करता हूँ सेल्स यहाँ पेस्ट कर देता हूँ नॉर्मल, फिर मैं क्या करता हूँ टारगेट को कॉपी कर लेता हूँ, देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और देखिए मैं क्या चाहता हूं, डिवाइड ही तो करना है मैंने, तो यहाँ पे डिवाइड का भी ऑप्शन आपके अवेलेबल है। ठीक है जी, ओके करूंगा तो ये सारा हिस्सा डिवाइड हो जाएगा, देन परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा, बस छोटा सा काम, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है जी, बट प्रैक्टिकल मतलब ये परसेंटेज किसका निकाला था, ये जो 47 का था, मतलब सेल 47 और कितने में से परसेंटेज है, आपको ये दिखा, अच्छा 100 में से कितने परसेंट हुई है। ठीक है, अच्छा अच्छा 100 में से ना, 200 में से, अच्छा हाँ ओके हाँ। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकली बात करें तो हमारे टारगेट भी अलग अलग हो सकते हैं, एक तो होगा नहीं, हाँ जी बाहर एक बंदा कोई तुर्रम खाए कुछ है, टारगेट अलग अलग है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये अपने सामने सामने वाले टारगेट से डिवाइड हो, तो इसका ऑप्शन क्या है अपने पास, सेम प्रोसीजर है, बस ये क्या है, इसमें आप पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पेस्ट स्पेशल में डिवाइड, ये अपने सामने सामने वाली सेल से ही डिवाइड हुआ है, देन परसेंटेज। इसमें क्या होता है कि आपका सिलेक्शन में जैसे यहाँ 10 सेल है तो यहाँ जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहां भी 10 ही होने चाहिए, उस केस में काम करता है। ठीक है जी, अब इसी तरह से क्या करते हैं कि डेली सेल उठा लेते हैं, मान लीजिए 3 दिन की सेल है, आपको 3 दिन की अचीवमेंट निकालनी। ठीक है जी, और आपके पास 3 दिन के अलग अलग टारगेट है अलग अलग बंदे के लिए। ठीक है जी,
इस केस में भी आपका ये काम करेगा, बशर्ते वैल्यूज समानांतर होनी चाहिए, जो हम चाह रहे हैं वही करेगा। यहां से हम इसको पूरे को कॉपी करेंगे, यहां उतनी वैल्यूज सिलेक्ट कर लेंगे, देन पेस्ट स्पेशल और डिवाइड एंड देन ये आपका परसेंटेज का सेल। ठीक है जी, तो ये अपने सामने सामने वाली सेल से ही मल्टीप्लाई हुए, डिवाइड हुए। ठीक है जी, इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं थोड़ा सा ये सेल्स का डाटा हटा के फाइनेंशियल अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। उसमें क्या होता है कि यही सेल्स है, अब हमें क्या करना है, ईयरली निकालना है, ईयरली सेल इतनी इतनी होगी, ये सेल्स मैंने दे दी करोड़ों में। ठीक है जी, एक मिनट, हेलो, या चल मी, या चल मी। तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे हम कर रहे हैं अपना कुछ फाइनेंशियल इसमें। मैं भी ना आपका एग्जांपल कर रहा था, मतलब आपकी तरह ही मैं करना चाह रहा था सेल्स का परसेंटेज निकालने के लिए। मैंने ऑनलाइन ही, मतलब वही है ना एक्सेल, मैंने भी खोल लिया था सर। अच्छा, वो आप वीडियो देख देख के आराम से करें, आप चाहें तो मैं ये शीट भी भेज दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रैंड टोटल ले लिया, यहाँ पे अब यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लगाया क्या, तो पहले बात करते हैं कि जैसे ये मेरा करोड़ है, करोड़ में वैल्यू है, तो कई बार क्या होता है कि हमें वैल्यू कैसे दिखानी होती है, वैल्यू इन करोड़। ठीक है जी, पॉइंट में दिखानी है, जैसे 6,50,00,000 है तो 6.5 दिखाना चाहिए इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 करोड़ मैंने लिख लिया, वैसे ही कॉपी किया, और परसेंटेज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डिवाइड का, यहां से पेस्ट स्पेशल में जाइए, डिवाइड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे भी आपका सेम हो जाएगा। ठीक है जी, डिवाइड हो गई वैल्यूज। बट एक और कंडीशन है कि जैसे आप चाहते हैं कि ये तो आपकी वैल्यूज है, नॉर्मल आपकी डिवाइड करके वैल्यू दे दे रहा है, स्टिल कर दे रहा है, पर कई जगह क्या होगा, कंसोलिडेशन अगर मेथड फॉलो करेंगे, मतलब आप इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं से लिंक लगा के ला रहे हैं, किसी फॉर्मूला के थ्रू ला रहे हैं, फॉर्मूला में ये चीज करनी है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सम का फॉर्मूला है, अब इसमें लानी है, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड, अगर मुझे वैसी वैल्यू लानी है तो इस सम के बाद डिवाइड बाय 1 करोड़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही फॉर्मूला मेरे हर जगह है, तो क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि वैल्यू जहां से लिंक्ड है वहां से आए। ठीक है जी, मेरा फॉर्मूला ना चेंज हो, बट ये जो भी फॉर्मूला लगा है उसके आगे डिवाइड बाय 1 करोड़ आ जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला के अंदर भी ये चीज कर सकते हैं। कॉपी कीजिए इसको, यहां से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी वैल्यू इफेक्टेड होंगी, पेस्ट स्पेशल डिवाइड। ठीक है जी, आप देखेंगे कि हर फॉर्मूला के आगे डिवाइड बाय ये अपने आप लग चुका है। ठीक है जी, हाँ, अब देखते हैं दूसरी चीजों को, इसको हटा देता हूं। अब लिंकिंग आपने देखी होगी, लिंकिंग करते हैं हम वैल्यू को, लिंक कैसे करते हैं, इक्वल टू दबाते हैं पहले, देन उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, देन इसको ड्रैग करेंगे, नेम सेल्स आ गई, और इसको नीचे ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हो गई लिंक्ड हमारी। इसका मैं क्या करता हूं, फॉर्मेट भी कॉपी कर लेता हूं, फॉर्मेट भी पेस्ट कर देता हूं विथ भी पेस्ट कर देता हूं। अब ये वैल्यू लिंक तो हो गई, लिंक्ड वैल्यू का क्या फायदा होता है कि मैं जैसे यहाँ पे कोई चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस दिखाएगा, जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाएगा। बट क्या होता है कि ये छोटे डेटा में तो करना आसान होता है लिंकिंग का, क्योंकि तो ड्रैग करके हम कैसे भी कर सकते हैं, पर ज्यादा बड़ा डेटा हो, पार्ट पार्ट में हो, तो क्या होता है कि हमें पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक हमें ड्रैग करना है, बार बार उस शीट को देखना पड़ेगा, जैसे 10 सेल में ड्रैग करना है या 10 में, तो मुझे पता होना चाहिए, सामने सामने तो कर दिया, नीचे करूंगा मुझे प्रॉब्लम होगी।
पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, इस तरह से जीरो आएंगे आगे खींचूंगा तो, ठीक है जी, क्योंकि जीरो ब्लैंक के लिए आते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, मैं लिंकिंग करना चाहता हूँ और एग्जैक्ट लिंकिंग करना चाहता हूँ विदाउट टाइम कंज्यूमिंग। मैं क्या करूंगा, उसको कॉपी कर लूंगा जितना डाटा मेरे को लिंक करना है, यहाँ राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल एंड यहाँ पे आपका है पेस्ट लिंक, ठीक है जी। पेस्ट लिंक में क्या देख रहे हैं, फॉर्मूले में वही फॉर्मूला आ गया आपका, सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करता हूं मैं, इसके फॉर्मेट पेस्ट कर देता हूँ, देन कॉलम विड्थ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, फॉर्मेट कॉलम विड्थ पेस्ट कर दी। अब ये एग्जैक्ट पेस्टिंग है, कोई भी चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पे चेंज भी दिखा रहा है, ठीक है। बट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास जगह कम है और लिंकिंग ये हो गया कॉन्सेप्ट जो था ये पुराना हो गया। आजकल लोग यूज करते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या होता है, एक ही शीट पे आपको पूरी कंपनी का डाटा दिखाना होता है, चार्ट्स के जरिए, पिवट टेबल के जरिए और ऐसे फॉर्मूलों के जरिए। उसमें क्या होता है, जगह कम होती है, तो मान लीजिए इतनी जगह बची है और यही डेटा मुझे दिखाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? इसमें क्या होता है कि हमारे पास जगह तो कम है, अब एक्सेल में तो आपको पता है इधर से कॉलम खिसकाऊंगा तो नीचे वाली बड़ी हो जाएगी, कभी ऊपर वाली बड़ी हो जाएगी, कॉलम आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं तो इफेक्ट करते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, जहां मुझे पेस्ट का बटन है यहाँ होम टैब में, यहाँ पे एक एरो का साइन है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चले जाइए, पेस्ट स्पेशल यहाँ पे भी अवेलेबल है, पर नीचे चले जाइए, पेस्ट एज पिक्चर, एज पिक्चर, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, कॉपी एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर को चूज कर दीजिए, ठीक है। अब पिक्चर की क्या खासियत है कि ये बड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है जी, कम जगह है तो पिक्चर में डाल के लगा सकते हैं। अब यहाँ से व्यू में जाके मैंने ग्रिड लाइन ऑफ कर दी, तो किसी को क्या पता मैंने पिक्चर यूज की, ठीक है जी। बट एक प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि मैं यहाँ कोई चेंजिंग कर रहा हूँ तो मुझे इसमें तो कोई चेंजिंग दिख नहीं रही, तो मेरा को इसका फायदा क्या हुआ। मान लीजिए प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं यूज कर लूंगा ये, पर लिंकिंग तो नहीं है ना, लिंकिंग के लिए क्या है, क्या करेंगे, मेथड वही है, कॉपी करेंगे, होम टैब में जाएंगे, ये एरो बटन दबाएंगे और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, पेस्ट पिक्चर लिंक, ठीक है, पेस्ट पिक्चर लिंक दोनों के एक साथ। हाँ जी, तो पेस्ट पिक्चर जो आप यूज करेंगे उसका फायदा क्या है, कि जैसे ही कोई भी आप इसमें चेंजेस करते हैं, एक तो आपके चेंजेस डायरेक्ट हो जाते हैं, इवन कि आप कोई कलर भी चेंज करते हैं यहाँ पे तो ये कलर भी चेंजिंग आपको दिखाता है, तो यही है। तो इस तरह की पिक्चर मैं गारंटी देता हूँ आपने नहीं देखी होगी पहले। नहीं, ये तो नहीं देखे थे, है ना। तो ये था हमारा सर कॉपी पेस्ट के वही एग्जाम्पल को लेके, सारा जितना भी एडवांस चलता है ये मैंने आपको बताया अब तक, ठीक है जी, एक पेस्ट स्पेशल के ऊपर, ठीक है सर। तो क्लास के लिए हम लोग मिलेंगे। हाँ, जैसे कि राम, राम ही मान लीजिए, राम आया दुकान पे। हाँ, उसने जो है उसने मेरे को 10 रुपए पे किया है और एक साबुन ले गया। अच्छा, तो मतलब वो राम फिर क्या हुआ, मतलब फिर उसने मतलब एक दिन के अंदर उसने 3 दफा आया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राम और मतलब इसी तरह के कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उसका टोटल अमाउंट निकालना था वीलुकअप के थ्रू। नाम वही, आज दिन में इतना आया था, कितना टोटल अमाउंट है, तो वही, तो वो कहाँ से निकले, कैसे करूँ वीलुकअप, और कितने दिन लगेगा वीलुकअप सीखने। अरे कुछ नहीं सर, वो वीलुकअप से नहीं निकलेगा आपका, पहली चीज तो आपको छोड़ दीजिए कि वो वीलुकअप से निकलेगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। हालांकि मैं फॉर्मूला की ट्रेनिंग आपको बाद में दूंगा, मतलब हमारे आगे की क्लासों में, बट आपको मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये होगा कैसे। हाँ, ठीक है जी, बता दीजिए एक बार। पाइवट टेबल,
मान लीजिए ये डेटा है, नहीं नहीं सर फॉर्मूला पूछा है तो मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा, ठीक है जी। अब देखिए इसमें संदीप कई बार रिपीटेड है, अब मैं चाहता हूँ ये सेल्स है हमारे पास, ठीक है जी। हाँ, ये कि संदीप की सेल्स टोटल कितनी है, है जी। हाँ, और वो हाँ टोटल कितनी है, और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। उसमें मुझे डेट भी चाहिए, मतलब डेट। हाँ डेट फिर क्या हो, डेट तो अलग हो जाएगा ना फिर तो इसका। हाँ डेट अलग हो जाएगा, आपको कब से कब तक में चाहिए, मतलब आपको डेट से भी लिमिटेड। मुझे डेट के कोई मतलब है, मुझे डेट से कोई मतलब है, उसका टोटल कितना सेल किया है, और मुझे जैसे कि पूरा 10 दिन का हो या 15 दिन का हो या 1 महीना का हो, ऐसे आप जो क्वेरी बोल रहे हैं वो सब पॉसिबल है, ठीक है जी। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम, और जहां मुझे चाहिए सेल, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, समीप का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। समीप के फॉर्मूले में क्या होता है कि पहला होता है आपका रेंज, रेंज पहले इसे बताना पड़ेगा ना कि ये रेंज है, सारी पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, और मैंने कहा, और ये दूसरा पूछ रहा है क्राइटेरिया, मैंने कहा क्राइटेरिया ये है, पहले तो ये उन सेल में ढूंढेगा कि संदीप किधर किधर है, ठीक है जी। फिर पूछ रहा है मेरे से सम रेंज, सम रेंज में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब जहां जहां संदीप मिलेगा उसके आगे वाली सेल जो है ये प्लस करता जाएगा, सम करता जाएगा, इसीलिए इसका नाम सम इफ है, यानी कि कंडीशन के बेस पे सम करेगा, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ दो कंडीशन है, अब मैंने कहा संदीप की पलवल में सेल कितनी है, जैसे अर्थ का सिटी है ना, तो पलवल में कितनी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ वो वाला, कि सम इफ में एक ही कंडीशन लगती है, पर सम इफ्स में जो है दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन, पांच कंडीशन, यानी डेट के डेट वाइज भी कंडीशन सिलेक्ट करता है। इसमें क्या है कि समरेंज आपको पहले दे देनी पड़ती है, मैंने यहाँ दे दी समरेंज पहले। अब इसमें क्राइटेरिया वन रेंज, पहला क्राइटेरिया क्या है, नेम का, नेम का रेंज सिलेक्ट कर लिया। फिर पूछता है मेरे से क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा ये रहा। फिर कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज टू, मैंने कहा ये रही सिटी वाली। कह रहा है क्राइटेरिया क्या है, मैं कहा ये रहा पलवल, ठीक है जी। तो अब दोनों क्राइटेरिया के बेस पे इसने क्या किया, सेल निकाल दिया, नहीं ठीक है जी। अच्छा तो एक काम और पूछना था, हाँ जैसे कि आपने तो संदीप का किया, मुझे जितना आपका जो लिस्ट में पूरा नाम है उसका टोटल सेल्स निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है महीने का, अब बताइए, और वो भी एक साथ महीने का टोटल क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया का अभी जरूरत नहीं है, जैसे क्राइटेरिया बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट और जो सबका, जो संदीप है, हरीश है, कोई भी हो, हाँ। तो उसका टोटल अमाउंट वो कैसा होगा फिर सबका एक साथ ही, मतलब ये तो आपने अलग अलग बोल दिया ना कि आप रेंज ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए तो बेटर है कि इस तरह का यूज करें तो पाइवट टेबल होता है, ठीक है जी, बट उसको फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा तो हाँ हाँ बेस्ट होता है आपका फॉर्मूले से। अब ये पाइवट टेबल और फॉर्मूले दोनों का ही एडवांस मेथड है जो आप बता रहे हैं, इजी वाले मैंने आपको बता दिए, और आगे वाले आप मेरी क्लासेस में इसी चीजों को करना सीखेंगे, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा एडवांस। अभी आप बता रहे हैं कि सेल निकालना, मैं आपको ये बताऊंगा जब आपके पास हजारों एम्प्लॉई हो तो आप उनके, जैसे संदीप की रिपोर्ट संदीप को भी चली जाए और महेश की रिपोर्ट महेश को चली जाए, टोटल मतलब जितने एम्प्लॉई अलग अलग रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगी। एक आप एक ही रिपोर्ट बनाएंगे पर मल्टीपल रिपोर्ट्स अपने आप जनरेट होंगी, उसमें कोई प्रोग्रामिंग अच्छा। वो पाइवट टेबल से कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है जी। फॉर्मूले चलिए ठीक है, पाइवट वो भी बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ओके सर, याद दिलाने के लिए सर।